अस्सलामु अलैकुम। अज मंगल है, रजमुल मरजब की 13, फगन की 4 ते फरवरी की 15 तारीख। ए रेडियो पाकिस्तान है, फर अहमद तू खबर सुनो। पहला खास खास खबर। वज़ीर आज़म ने तिजारत ते इलाकाई राबते वधाण लई पाकिस्तान ते ईरान विचकार करीबी ताल्लुकात होर अगे वधाण ते जोर दिता है। इतलावां दे वज़ीर मुमलकत ने कहा है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अपोजिशन की अदम एहतमाद की तहरीक बुरी तरह नाकाम होगी। पंजाब विच ख्वानदगी ते रस्मी तालीम दे वज़ीर ने अफसरां नूं हिदायत की है कि डेंगी दे मरज नूं फैलण तों रोकण लई मौसर हिकमत अमली दे तहत काम करन। राती लाहौर विच पाकिस्तान सुपर लीग दे मैच विच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स नूं 1 रन तों हरा दिता है। हुण तुसीं पूरियां खबरां सुणो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान ते ईरान विचकार तिजारत ते इलाकाई राबते वधाण लई दोवां मुल्कां विचकार करीबी ताल्लुकात उत्ते जोर दिता है। ओ ईरान दे वज़ीर डॉक्टर अहमद वाहिदी नाल गल्लां कर रहे सन, जिन्हां इस्लामाबाद विच उन्हां नाल मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान ते ईरान दीआं सरहदां उत्ते सरहदी तिजारती मार्केटां छेती मुकम्मल करन दी जरूरत उत्ते जोर दिता। वज़ीर आज़म ने दोवां मुल्कां विचकार भाईचारे उत्ते तसल्ली विखाई ते कहा पाकिस्तान ते ईरान विचकार मुख्तलिफ शोबिआं विच तावर वधाण दे बड़े मौके मौजूद ने। ईरान के दाखिली मामलों के वजीर ने इस मौके उत्ते ईरानी क्यादत वलों वज़ीर आज़म इमरान खान नूं नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिता ते दोवां मुल्कां विचकार बाहमी तालुकात होर अगे वधाण दी ख्वाहिश जाहिर की। ईरान के दाखिला मामलों के वजीर डॉक्टर अहमद वाहिदी की सरबराही च ईरानी वफद ने रावलपिंडी च बरी फौज के सरबराह जनरल कमर जवेद बाजवा नाल भी मुलाकात की। इस मौके उत्ते उन्होंने दिफा ते सलामती के शोबे च रल के काम करन ते इलाके की सलामती के मामलों उत्ते गलबात की। उन्होंने सरहदी तिजारत समेत दोवां मुल्कां दी सरहदां दी सूरत हाल ते भी गलबात की। आर्मी चीफ ने इस मौके ते कहा कि बाहमी तालुकात नूं नुकसान पहुंचाण दीआं कोशिशां नूं रल मिल के नाकाम बनाना होगा तां जे दुश्मन कोई फायदा ना उठा सके। आर्मी चीफ ने पाक ईरान सरहद नूं अमन ते दोस्ती दी अलामत करार देंदे होया कहा कि दोवां मुल्कां दे दरमियान मजबूत तालुकात इलाके दे अमन ते इस्तेहकाम लई बड़े जरूरी ने। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत च इस्लामाबाद च अफगानिस्तान बारे एपेक्स कमेटी का चौथा इजलास होया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया उत्ते जोर दिता कि वह अफगानिस्तान च जंग की तबाही तो बाद उत्थे लोकां दीआं वधदीआं होईआं मुश्किलां दूर करन वास्ते किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म का कहना सी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान च अमन ते सुकून चाहता है ते कारोबारी ताल्लुक वधाण सेहत मवासलात दे मनसूबे मुकम्मल करना चाहता है। इमरान खान ने मुतलका वजीरां नूं आख्या कि अफगान लोकां दी मदद लई मनसूबियां उत्ते तेजी नाल अमल कीता जाए ते वादे पूरे कीते जाण। वज़ीर आज़म ने उम्मीद की कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियां च पढ़न आले अफगान तालबे इलम अफगानिस्तान च तरक्की ते दोवां मुल्कां विचकार अवामी राबते वधाण च अहम किरदार अदा करनगे। बाद इस समंदर पार पाकिस्तानियां बारे एक इजलास की सदारत करदे होया वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुतलका अफसरां नूं हुक्म दिता कि इस्लामाबाद च मुजवजा तामराती अपार्टमेंट्स नूं छेती मुकम्मल किया जाए ते बनाने वेले मयार ते लागत का भी ख्याल रख्या जाए। वज़ीर आज़म ने समंदर पार पाकिस्तानियां नूं कीमती असासे करार दिता ते कहा कि हकूमत मुल्क च माशी सूरत हाल चंगी बनाण ते आमदनी च वाधे लई कोई 90 लाख समंदर पार पाकिस्तानियां नाल मुकम्मल तावन कर रही है। एह खबरां तुसी रेडियो पाकिस्तान तों सुन रहे हो। खारजा मामलों के वजीर शाह महमूद कुरेशी ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मास्को के दौरे नाल मुख्तलिफ शोबों तावन नूं अगे वधाण च मदद मिलेगी। एक बयान च उन्हां दा कहना सी कि दौरे के दौरान वज़ीर आज़म रूसी क्यादत नाल मिलणगे ते गैस पाइपलाइन मनसूबे सने बाहमी तालुकात अगे वधाण बारे गलबात करनगे। ओआईसी के खारजा मामलों के वजीरां दे इस्लामाबाद विच आइंदा इजलास बारे उन्हां दा कहना सी कि गैर मुल्की वफद अगले महीने की 22 तारीख तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे तो यौमे पाकिस्तान की परेड भी वेखेंगे। अफगानिस्तान के बारे शाह महमूद कुरेशी ने कहा कि दुनिया जंग जिदा मुल्क चो 90,000 तो वध लोगों नूं बाहिफाजत कढ़न उते पाकिस्तान की तारीफ कर दी। इतलावां ते नशरियात दे वज़ीर मुमलकत फरूख हबीब ने कहा है कि ओपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी क्यों जे हकूमत नूं इतिहादियां की पूरी हिमायत मिली हुई है।
ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਾਰੂਕ ਹਬੀਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ ਤੇ ਅਦਮ ਇਹਤਮਾਦ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਤਵਾਨਾਈ ਖਾਸ ਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਲਿਆਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਵਾਨਾਈ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਚ ਬਾਹਮੀ ਤਾਵਨ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਫਦਾਂ ਦੀ ਸਤਹ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਫਦ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਮਾਸ਼ੀ ਤਾਵਨ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਫਦ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਤਵਾਨਾਈ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਮਾਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਵਾਨਗੀ ਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਰਾਜਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਹਫੀਜ਼ ਨੇ ਡੇਂਗੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਕਾਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਸਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਏ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਹਿਰ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਂਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਲਕਾ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਂਗੀ ਲਾਵੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਾਢੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਹਿਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਮੁਤਲਕਾ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ੇਰੇ ਤਾਮੀਰ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲਿਆਤੀ ਤਹੱਫ਼ੁਜ਼ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲਿਆਤੀ ਤਹੱਫ਼ੁਜ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਤੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ PSL ਦੇ ਇਕ ਮੈਚ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ 1 ਰਨ ਤੋਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਉਤੇ 191 ਰਨ ਬਣਾਏ, ਜਦਕਿ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਜ਼ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਉਤੇ 190 ਰਨ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਤੇ ਕੋਇਟਾ ਗਲੇਡੀਏਟਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਤਬਸਰੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ radio.gov.pk ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।